आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेवेंथ क्लास का फर्स्ट यूनिट का ही, वो है कौन सा, रासायनिक संयोग के नियम, यानी जो भी तत्व है वो किस प्रकार संयोग करते हैं और यौगिकों का निर्माण करते हैं, मिश्रण बनाते हैं। तो 18वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों ने क्या है, जो केमिकल थे उनका मात्रात्मक विश्लेषण करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करना क्या है स्टार्ट कर दिया था, और उसको अच्छी तरीके से उसके बारे में जानते थे। ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस था, क्वालिटेटिव गुणात्मक जो उनका विश्लेषण था वो काई के बेस पे करते थे, ये क्वांटिटेटिव मेथड के बेस पे, यानी उसका जो बारे में जो अध्ययन किया जाता था, गुणात्मक विश्लेषण को मात्रात्मक विधियों के द्वारा ज्ञात करने के लिए वो क्या करते थे, सक्रिय प्रयास करते थे। तो इनको करने के लिए, इन प्रयोगों को करने के लिए उन्होंने कुछ नियम दिए। उसमें से पहला नियम है रासायनिक संयोग के, पहला नियम कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसको क्या बोलते हैं अपन, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक। इस नियम को जो बनाया था, तो इस नियम को बनाने वाले कौन थे, लेवोजिए थे, जिन्होंने नियम को प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहले क्या, इस नियम के बारे में पढ़ते थे, आखिर ये नियम था क्या। तो अपने को द्रव्यमान यानी क्या होता है, वजन, है ना। ये अपन इसका बिल्कुल पर्टिकुलर इसके डेफिनेशन पे ना जाए, और एक अपनी लैंग्वेज में अगर बात करें तो द्रव्यमान का मतलब होता है उसके अंदर कितना उसका वजन है, ठीक। और संरक्षण का मतलब होता है द्रव्यमान को कंज्यूम करके रखना, स्टोर करके रखना, या अपन देखें तो द्रव्य की अविनाशिता का नियम। अविनाशिता का मतलब होता है जो नष्ट नहीं हो सके, तो पदार्थ के नष्ट नहीं होने का नियम। तो जैसे मान लो अपन ने क्या किया, कोई पदार्थ लिया, उसकी रिएक्शन करी, मान लो ये पदार्थ कितना लिया अपनों ने, 1 किलोग्राम, और उसको अपनों ने क्या किया, जैसे ले लिया अपनों ने पानी लिया, दूध लिया, चाय पत्ती ली, प्लस शक्कर ली, कुल मिला के अपनों ने इन मटेरियल को क्या किया, रिएक्ट कराया। रिएक्ट का इसे कराते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद क्या मिला अपने को, चाय, ठीक। तो यहाँ पर अगर ये सब पदार्थ 1 kg है, तो इससे जो बना हुआ पदार्थ भी वो लगभग कितना होगा, 1 kg, यानी जितना मटेरियल अपनों ने डाला है उतना का उतना मटेरियल अपनों को क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो जब इस टाइप से ये होता है कि दोनों मटेरियल क्या होते हैं, इधर जो ये वाला जो रिएक्टेंट होते हैं, क्रियाकारक होते हैं, उनका वजन और जो क्या होते हैं उत्पाद जो बना है उसका वजन क्या हो, एक जैसा हो। या अपन इसको एक उदाहरण और से ले लेते हैं, तो जैसे अपनों ने लिया क्या, आगे समझ में, क्या मिठाई बनानी है, ठीक। ये कितना लिया, 1 kg, ये भी कितना लिया, 1 kg। दोनों को मिक्स करने के बाद क्या कर रहे हैं अपन, गरम कर रहे हैं। तो गरम करने के बाद अपने पास क्या बनेगी मिठाई, वो कितनी बनेगी, 2 kg। तो अपनों ने रिएक्टेंट कितने लिए, 2 kg, तो पदार्थ अपने पास प्रोडक्ट भी कितना बना, 2 kg। तो ये यहाँ पर ना तो पदार्थ क्या हुआ, नष्ट हुआ, गरम करा तो ना तो पदार्थ नष्ट हुआ और ना ही इसमें कोई पदार्थ बना। तो इसी नियम को क्या बोला जाता है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, यानी
पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, यानी न तो ये कभी इसमें से कोई चीज़ ख़त्म होगी और न ही इसमें कोई अदर से कोई चीज़ उत्पन्न होगी। इस नियम को अपन इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बने पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होते हैं, ठीक। और ये ही रूल क्या है अपना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन रूल, ये जो है किसने दिया था, लेवोजिए ने दिया था सन 1774 में, 1774 में दिया था। क्या था, पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता। अपन ये पूरा ही लिख लेते हैं, केवल उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक। या इसको अपन दूसरे डेफिनेशन ओवर करके अगर बात करें तो कौन सी है, कि रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान। जैसे इससे पहले अपन ने बताया था ना, क्या मावा प्लस शक्कर, ठीक। तो ये रासायनिक पदार्थ परिवर्तन में भाग ले रहे पदार्थ, इनका कुल द्रव्यमान कितना है, टोटल देखा जाए तो कितना है, 2 kg, ठीक। और क्रिया के बाद बना पदार्थ क्या है अपने पास, ये बना था क्रिया के बाद, तो इसका वजन क्या है अपने पास, द्रव्यमान 2 kg। तो ये 2 kg और ये 2 kg क्या है, दोनों क्या हो गए, इक्वल है, यानी पदार्थ न तो नष्ट हुआ और न ही उत्पन्न हुआ, ठीक। अब इसको अपन क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने बेस पे इसको समझाने की कोशिश करी, तो क्या थे वो प्रयोग वो देखते हैं। क्या थे प्रयोग, तो इस टाइप से इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में क्या किया, बालू रेत भर दी, बालू रेत भरने के बाद इसके ऊपर क्या किया, फास्फोरस का टुकड़ा रख दिया और इसके मुंह पे क्या कर दिया, ढक्कन लगा दिया, ठीक। ये इनका प्रैक्टिकल था पूरा, ये प्रयोग किया था, एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर क्या किया, बालू रेत भर दी, बालू रेत भरने के बाद उसके ऊपर क्या किया, फास्फोरस का टुकड़ा रख दिया और इसके मुंह पर क्या किया, ढक्कन लगा दिया। अब ये जो पोर्शन जो है अपने पास जो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक। और इसका इस जो फ्लास्क था इसको क्या किया, वजन कर लिया, इसको तोल लिया, तोलने के बाद मान लो सपोज़ इसका वज़न कितना है अपने पास, 300 ग्राम आया, ठीक।
और इसको अब 300 ग्राम वेट कर लिया। वेट करने के बाद क्या किया, इसको गर्म किया। तो गर्म करने से क्या हुआ, बालू रेत गर्म हुए। बालू रेत गर्म होने से फास्फोरस का टुकड़ा जलने लग गया। फास्फोरस का टुकड़ा काई से जला, क्योंकि इस फ्लास्क के अंदर पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। तो फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ क्या कर गया, रिएक्ट कर गया और क्या बनाया इसने, P2O5 यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना के पूरा इस फ्लास्क में धुआं धुआं दिखने लग गया। ठीक, अब इस फ्लास्क को क्या किया, जलने के बाद इस फ्लास्क को वापस ठंडा किया और इसका वेट किया। वेट करने के बाद अपने पास जो वेट मिला वो कितना मिला, 300 ग्राम। ठीक, तो यहाँ पर जो क्रिया के पूर्व और क्रिया के बाद जो वेट था वो क्या हुआ, इक्वल आया, बराबर आया। इसका सीधा सा मतलब है कि पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। क्या किया अपनों ने, फास्फोरस लिया था पर काई में कन्वर्ट हुआ वो P2O5 में, यानी इसको रूप परिवर्तित किया जा सकता है। तो एक बार और अपन इसको रिपीट करते हैं क्या, कि सबसे पहले एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में बालू रेत भर दी और उसके ऊपर क्या किया, फास्फोरस का टुकड़ा रख दिया और इसके मुंह पर ढक्कन लगा दिया और फिर उसके बाद इसका वेट कर लिया। वेट करने के बाद इसको क्या किया, गर्म किया। गर्म करने से फास्फोरस का टुकड़ा जलने लगा और काई में कन्वर्ट हो गया, P2O5 में कन्वर्ट हो गया। अब इस फ्लास्क को वापस क्या किया, ठंडा किया। ठंडा करने के बाद वापस इसको क्या किया, वजन किया। तो वजन करने पर इसका वेट भी क्या आया, क्रिया करने से पूर्व जो वेट था, क्रिया के पश्चात भी वही वेट आया। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, तो ये एक टाइप का प्रयोग ये था। दूसरा प्रयोग था काई का, एक और दूसरा साइंटिस्ट ने दिया था, उन साइंटिस्ट का नाम था क्या, लैंडॉल्ट, और उन्होंने क्या प्रयोग की दिया था वो देखते हैं। क्या प्रयोग था लैंडॉल्ट का, तो उन्होंने क्या किया, एक इस टाइप की एक ट्यूब ली थी, इस टाइप से एक एच आकार की ट्यूब ली। ठीक, और उनके अंदर क्या किया, इसमें क्या, इधर एक तरफ AgNO3, दूसरी तरफ NaCl का क्या AgNO3 विलयन मिलाया और दूसरी तरफ NaCl का विलयन क्या कर दिया, इसके अंदर भर दिया। अब इसको कैसे किया, कौन से साइंटिस्ट थे, लैंडॉल्ट, और इस प्रयोग को बोलते हैं लैंडॉल्ट का प्रयोग। तो क्या था लैंडॉल्ट का प्रयोग देखते हैं। लैंडॉल्ट ने क्या किया, एक एज आकार की ट्यूब ली, उस ट्यूब में एक साइड में क्या किया, उन्होंने AgNO3 का विलयन भर दिया और दूसरी तरफ क्या किया, दूसरे पैर में NaCl का विलयन भर दिया और इसके दोनों मुंह पर क्या कर दिया, ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद इसको क्या किया, उल्टा सुल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद क्या किया, उल्टा करने से AgNO3 ने क्या किया, NaCl के साथ रिएक्ट किया। ठीक, ये यहाँ से इस एच आकार की ट्यूब में ये AgNO3, जैसे इसको उल्टा किया गया तो AgNO3 NaCl में और NaCl कहाँ, AgNO3 में मिलने लग गया। तो AgNO3 ने NaCl से क्रिया करी तो Ag का इसे ऐड हुआ, Cl से प्लस
एन ए का इससे जुड़ा एन ओ थ्री से। ठीक, तो यहाँ पर ए जी एक, एन ओ थ्री एक, एन ए एक, सी एल एक, कुल मिला के कितने चार कंपाउंड थे, इधर भी कितने हैं चार एलिमेंट थे, इधर भी कितने हैं चार टाइप के रेडिकल हैं। ठीक, तो इसमें भी क्या हुआ कि प्रयोग से पहले ए जी एन ओ थ्री और एन एस सी एल मिलाया था, प्रयोग के बाद जो मिला इसमें सिल्वर जो था वो एक मिला, क्लोरीन एक मिला, एन ए एक मिला और एन ओ थ्री भी एक मिला। तो इससे यह साबित हुआ क्या हुआ कि पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल क्या हुआ इसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। तो लैंडोल्ट ने क्या करा था, एक एच आकार की ट्यूब ली, उसके एक पैर में HgNO3 का विलयन तथा दूसरे पैर में NaCl का विलयन मिला दिया और इसके मुंह पर ढक्कन लगा के इसको उल्टा कर दिया, और उल्टा करने से क्या हुआ AgNO3 NaCl के साथ क्रिया करने लग गया, और क्रिया करने से क्या हुआ अपने को AgCl का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ। जब इसका क्या किया अपनों ने वजन किया वापस, तो वजन करने से क्या हुआ अपने को ये जो था मटेरियल उसका जो वजन था वो इक्वल मिला। इससे क्या साबित हुआ कि पदार्थ को ना तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, क्या केवल इसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। ये दो प्रयोग हो गए, और ये क्या था अपना द्रव्य की अविनाशिता का नियम का इन्होंने प्रूफ भी दे दिया था। पर इसमें कुछ न कुछ आगे इसके बारे में शोध होते गए और इस नियम को सार्थक करने के लिए प्रयोग किए गए, और इसको यूनिवर्सल जो मैकेनिज्म है, यूनिवर्सल जो नियम दिया गया था कौन सा E=mc² इस नियम के बेस पर, सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर इसका परीक्षण किया गया। तो परीक्षण करने पर क्या हुआ कि जितना भी किसी पदार्थ का द्रव्यमान है वो पूरा द्रव्यमान अगर एनर्जी में चेंज हो रहा है तो अपने एनर्जी पूरी एनर्जी में चेंज करने के लिए कितना द्रव्यमान लगता है mc² लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर अपन यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो काई में कन्वर्ट हो रहा है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब ऊर्जा दो टाइप की होती है, कौन सी होती है, क्रिया दो टाइप की होती है, एक तो ऊष्मा शेपी होती है अपनों ने पढ़ा है पुरानी क्लासों में, और एक होता है ऊष्मा शोषी। ठीक, तो ऊष्मा शेपी में क्या होती है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और इधर क्या होता है ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक, तो जब कोई द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है और अगर उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर जो क्रिया के पहले जो पदार्थ था वो कुछ ऊर्जा के उत्सर्जन के पश्चात उसकी मात्रा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और यदि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो वो पदार्थ जो पहले था रिएक्शन से पूर्व था वो क्या करेगा एनर्जी को और एब्जॉर्ब कर लेगा, एनर्जी के अवशोषित करने से उसकी मात्रा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो E=mc² रूल से क्या हो गया पदार्थ में कुछ या तो ऊष्माशेपी अभिक्रिया में पदार्थ कम हो गया और ऊष्माशोषी में क्या होता है पदार्थ की मात्रा क्या हो गई बढ़ जाती है। तो इस द्रव्यमान की अविनाशिता के नियम को थोड़ा सा क्या किया गया परिवर्तित किया गया परिशोधित किया गया परिवर्धित किया गया मॉडिफाइड किया गया, और क्या बनाया गया कि पदार्थ व ऊर्जा क्या हो गई एक दूसरे में परिवर्तनीय है तथा निकाय में इनका कुल योग स्थिर है। कुल योग यानी एक साथ दोनों क्या है स्थिर है। ये इसको क्या किया गया परिवर्तित करके नई डेफिनेशन बनाई गई, किसके बेस पर सापेक्षता सिद्धांत E=mc² के बेस पर एक नई डेफिनेशन बनाई गई। क्यों बनाई गई, क्योंकि जो रूल था
उसमें द्रव्यमान और ऊर्जा संबंध में बताया गया, तो सभी E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर रूल से क्या हुआ, जितना भी पदार्थ था अगर वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर दो रिएक्शन होती है, एक तो ऊष्मा शेपी रिएक्शन, दूसरी कौन से, ऊष्मा शोषी रिएक्शन। तो ऊष्मा शेपी रिएक्शन में क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो टोटल पदार्थ क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन के पश्चात जो प्रोडक्ट मिलता है वो उतना नहीं मिलता है और उससे कम मात्रा में मिलता है। यहाँ यहाँ मतलब यहाँ पदार्थ की मात्रा कम हो गई, पदार्थ नष्ट हो गया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित की जाती है, अवशोषित करने से क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा बढ़ गई, यानी पदार्थ कहीं ना कहीं क्या हुआ, उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को परिवर्तित किया गया कि जब यह नियम कब लागू होगा, जब दोनों को अलग अलग ना मानते हुए एक ही यूनिट मानकर उसके बारे में अध्ययन किया जाए। यानी अगर हम क्या करेंगे कि खाली पदार्थ की अविनाशिता देखेंगे तो यह नियम सत्य नहीं होगा, और जब केवल ऊर्जा की अविनाशिता देखेंगे तो यह नियम में थोड़ा सा कुछ डिफॉल्ट आएगा। ठीक, तो डिफॉल्ट आने से क्या हुआ, इसको परिवर्तित किया गया, और परिवर्तित करने के बाद जो बना वो क्या है कि पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे में क्या होती है, परिवर्तनीय है, और यह निकाय में इनका कुल योग ही क्या होता है, स्थिर होता है। तो ये था अपना कौन सा, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन।